तबलीगी जमात पर चर्चा का आज दूसरा भाग हम ले रहे हैं, जिसमें हम इस संगठन को शुरू करने वाले मोहम्मद इलियास कंधालवी के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस शख्स के विषय में बताने से पहले थोड़ा सा जो जमात के प्रारंभ होने का समय है उस पर हम चर्चा कर लें कि वहाँ उस समय की स्थिति क्या चल रही थी। भारत में एक शुद्धि आंदोलन चला था और शुद्धि आंदोलन का भरतपुर और अलवर राजस्थान के इर्द गिर्द के कई जिलों और आगरा इत्यादि पर बड़ा भारी प्रभाव था। हरियाणा के कई हिस्सों पर उसका प्रभाव था। तो ये शुद्धि आंदोलन जो था, वस्तुतः इस्लाम में जो दीक्षित हुए लोग थे, यानी मूल रूप से वो हिंदू थे, किंतु वो किसी कारण से इस्लाम में दीक्षित हो गए थे, उनकी पुनः अपनी संस्कृति में पुनर्वापसी कराई जा रही थी। तो इलियास अल कंधालवी, इनका जो जन्म है वो जन्म अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिखता है, लेकिन दो तरह की तारीखें मैंने देखी हैं। एक तारीख 1885 और दूसरी तारीख 1884। और इनका जो इंतकाल है वो 13 जुलाई 1944 को। अब ये इलियास कंधालवी जो कि इसके फाउंडर हैं, किस बात से प्रेरित होकर के उन्होंने संगठन का निर्माण किया, इसका कुछ विवरण इन्हीं बातों से मिल जाता है कि वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनका मूल उद्देश्य ये है कि वो जो जानते हैं इस्लाम के विषय में और जैसा वे मानते हैं वो ही सच है। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि इस्लाम के सभी समर्थक इन कंधालवी साहब को मानते हो ऐसा नहीं है। कई सारे इनके मतभेद हैं आपस में, जिस पर फिर कभी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस संगठन में ऐसा कौन सा तत्व है जिससे प्रारंभ होकर ये आज तक चला आ रहा है। 1927 में बना हुआ संगठन, आप देखेंगे तो 1925 का जो काल है वो काल कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कानपुर में, उसी समय उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और उसके ठीक 2 साल बाद बनने वाला ये संगठन। तो ऐसा कहते हैं कि कंधालवी साहब हज की यात्रा पर गए हुए थे और इनको एक रूहानी संदेश प्राप्त हुआ अल्लाह की ओर से कि वे अब अपने सारे कामों को छोड़कर बस धर्म प्रचार के कार्य में लग जाएं। तबलीगी जमात नामक जो संगठन है ये इसी प्रेरणा से आया हुआ है। और आपको मैं अलीगढ़ से प्रकाशित एक गजट, सरकारी गजट,
का जिक्र भी करूंगा, जिसमें 4 मई 1923 को ये प्रकाशित हुआ था कि भरतपुर की आधी मुस्लिम आबादी हिंदू हो गई है। तो मुख्य जो इसमें कंसेप्ट है इनका, वो हम समझेंगे, क्योंकि ये जो कंधालवी साहब हैं, कंधालवी साहब अपने आप को